नमस्कार, मैं हूं कल्पना भुंडेकर। इंडियन टेस्टी रेसिपीज में आप सबका स्वागत करती हूं। और आज हम बनाने वाले हैं पनीर बटर मसाला, जो कि बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा स्वाद देता है। तो चलिए बनाते हैं। पनीर को गुनगुने पानी में रख देना है, जिससे कि हमारी रेसिपी बनते तक पनीर कैसे सॉफ्ट होके रहेगा। अब हम इसे साइड में रख देते हैं और बाकी की प्रोसेस करते हैं। एक बाउल ले लेंगे, हमें कर्ड मिक्सचर बनाना है। कर्ड मिक्सचर बनाने के लिए हम 3 चम्मच दही ले लेंगे, 3 टेबलस्पून दही, उसमें 1/2 टीस्पून हमने हल्दी डाल दिया है, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच कोरिएंडर पाउडर और 4 क्यूब्स हमने बटर के लिए। अब इस मिक्सचर को हमें मिक्स करना है और स्मूथ पेस्ट बनाना है। अभी हमारा कर्ड मिक्सचर रेडी हो गया है। अब हम इसे साइड में रख देंगे और अपनी ग्रेवी की तैयारी करेंगे। और भी रेसिपीज जानने के लिए इंडियन टेस्ट रेसिपीज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। ये परफेक्ट मेजरमेंट है। आपको 200 ग्राम पनीर में 6 टमाटर लेने हैं और हर एक टमाटर में 3 काजू के हिसाब से 18 काजू लेने हैं। इसमें हमें और 2 इलायची लेना है, 3 क्लोव्स ले लेना है और 1 लेना है बेलीव्स और 2 मीडियम साइज के अनियन ले लेना है, 1 इंच का जिंजर ले लेना है, अदरक और 3 लहसुन की कलियां ले लेंगे, 1 ले लेंगे हरी मिर्च और हमें लेना है 2 लाल मिर्च और 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर। ये परफेक्ट मेजरमेंट है 200 ग्राम पनीर की ग्रेवी बनाने के लिए। अगर आप इस मेजरमेंट से ग्रेवी बनाते हैं तो आपकी ग्रेवी कभी भी नहीं बिगड़ेगी। अभी हमें टमाटर को चॉप्ड कर लेना है और अनियन को भी चॉप कर लेंगे हम और फिर उसकी ग्रेवी बनाना स्टार्ट करेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए कढ़ाई में हमें अभी 3 टेबलस्पून घी लेना है। अब इसमें बे लीव्स, क्लोव्स, गार्लिक की जो कलियां थी वो डाल देंगे, चिली डाल देंगे, ग्रीन इलायची डाल देंगे, इसमें जो हमने अदरक स्लाइस करके रखा है वो डाल देंगे, ये लाल मिर्च डाल देंगे। अब हम इसमें अनियन डालेंगे। अभी अनियन लाइट ब्राउन हो गया है तो इसमें हम काजू डाल देंगे और कर्ड मिक्सचर डाल देंगे जो हमने कर्ड मिक्सचर बनाया है। परफेक्ट, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अभी हम इसमें टमाटर डालेंगे। हमने इसे 10 से 15 मिनट चलाया है और ढक के रखा था ताकि जो टमाटो है टमाटर अच्छे सॉफ्ट हो जाए। तो टमाटर देखिए सॉफ्ट हो गए हैं और बहुत अच्छी खुशबू भी चल रही है। अब हमें इस ग्रेवी को ठंडा करके मिक्सर में पीस लेना है। हमने अपने मिक्सर को पीस लिया है तो देखिए परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब हम इसे छान लेंगे ताकि जो हम रेस्टोरेंट जैसा जो टेस्ट चाहते हैं, जो टेक्सचर हम चाहते हैं पनीर बटर मसाला बनाते वक्त, वो आना चाहिए। इसे ऐसे छन्नी में डालकर ऐसे हम छान लेंगे ताकि स्मूथ टेक्सचर जो हमें चाहिए वो मिलेगा। देखिए हमने हमारा मिक्सचर छान लिया है तो देखिए कैसा
मिक्सचर दिखता है बिल्कुल लग्जेरियस। अभी हमारा लास्ट टच बचा है, हमने कढ़ाई में 4 टेबलस्पून बटर लिया है, उसे मेल्ट होने देना है। बटर अभी मेल्ट हो गया है, इसमें हमें अनियन डाल देंगे। प्याज लाइट ब्राउन कलर का हो गया है, इसमें हम चिली पाउडर डाल देंगे 1/2 चम्मच। और इसमें चॉप्ड टमाटर डाल दिए। 4 से 5 मिनट चलाने से टमाटर अभी सॉफ्ट हो गए हैं। इसके बाद हम जो हमने प्यूरी बनाए थे, मिक्सचर बनाए थे, वो हम ग्रेवी इसमें डालेंगे। अभी हमने इसमें ग्रेवी डाल दिया है और कसूरी मेथी डाल दिया है। अब हम इसमें पनीर डाल देंगे। पनीर डालने के बाद इसे 2 से 3 मिनट तक हमें चलाना है। हमारा पनीर बटर मसाला अभी रेडी हो गया है। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, यमी रेसिपी है, परफेक्ट। देखिए कितना परफेक्ट टेक्सचर आया है इसमें। ये जाएगा बटर का क्यूब। खाइए, खिलाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।